ये है वर्लपूल की मशीन 360 ब्लूम वॉश प्रो, और 7.5 kg का है, इन बिल्ट हीटर। तो आज हम सिखाएंगे कि ये मशीन पानी बहुत लेता है, और पी वन पे या यहाँ पानी बहुत खर्च करता है। अब बगैर पानी पानी जैसे कम लगे मशीन में तो क्या करें। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, एक्सप्रेस वॉश। जैसे अगर P1 लगाते हैं आप, तो आप है ना साथ में एक्सप्रेस वॉश भी लगाएं, तो ऐसे टाइमिंग की भी कमी होती है और पानी की भी बचत होती है। और एक और है जो कि आप इन सब में आपको पानी ज़्यादा लगेगा, जैसे कि P1 हैवी है, और ये डेलिकेट है, वाइट है, P4 वाइट है, P5, P6, P7, P8, इससे पानी ज़्यादा लगेगा आपको। लेकिन एक्सप्रेस वॉश के साथ आपको पानी का कम खर्च कर लेता है ये मशीन, क्योंकि ये जीरो जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी है। तो आप क्या करें ना कि अगर आप पहले बटन को ऑन करें, तो मैंने यहाँ पे ऑफ मैंने लगा दिया था मशीन, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको बंद करके ऑफ करके फिर से स्टार्ट करके दिखाऊंगी। ये है, ऑन हो गया है, और ये P1 पे आ गया है। तो आप P9 पे जाए, P9 जो है इको वॉश है और एक्सप्रेस वॉश है और जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी है, मतलब पानी कम खर्च करता है, एक ही बार वॉश करके हमें कपड़े दे देता है। तो हम जाएंगे P9 पे जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए P9 इको वॉश है, ये देखिए P9। हाँ, कर देंगे। तो आप जो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो मशीन है, ये 1.5 कप सरफ मांग रही है, तो मैं यहाँ डाल। तो ये 50 मिनट का टाइम लेगी, लेकिन जो ये है ना घड़ी वाला टाइमिंग नहीं है, ये जो वर्लपूल 360 ब्लूम वॉश प्रो, ये जो है ये जो टाइमिंग देता है ना, ये मशीन का खुद का टाइमिंग होता है, जो कि 5 मिनट पानी भरने का होता है। जब भर जाता है तो 5 मिनट ऑलरेडी इसका कट जाता है, 10 मिनट। तो ये इसका प्रोग्राम जो सेट होता है ना, उसकी टाइमिंग होती है। और कभी ना सोचे कि ये जो वॉच वाली घड़ी वाली जो होती है, वो टाइमिंग के साथ ये हमें कपड़ा धो के देती है। नहीं, इसका मशीन का ना ऑलरेडी टाइमिंग सेट होता है, जैसे पानी लेने का, पानी निकालने का, छोड़ने का, जैसे कि शोक का टाइमिंग अलग होता है, वॉश की टाइमिंग, इनका मशीन का खुद की ये टाइमिंग होती है। देखिए 49 है, हो गया ना 49 मिनट में, ये मशीन का खुद का टाइम है, जो कि इसको 10 मिनट या 5 मिनट पानी लेना है, शोक करना है, रिंस एंड ड्राई कितने मिनट, इनका खुद का है, ये वॉच वाली टाइमिंग नहीं है। और जो हमने इको वॉश लगाया है, ये है, ये पानी कम खपत करती है। तो अभी 48 मिनट में हमें कपड़े वॉश करके देगी, ये मशीन वाला टाइमिंग है, ये अपने मशीन की टाइमिंग से हमें ये कपड़े वॉश करके देगी। इसमें भी अच्छा वॉश हो जाता है और अच्छा क्लीन करके देती है हमें, क्योंकि ये पी 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 वन जो डेली डेली है या हैवी है, ये हमें शोक, वॉश और ये रिंस, ये 3 बार जो रिंस खंगालती है ना, ये 1 टाइम करती है सिर्फ, बाकी ड्राई कर देती है ये 1 1 टाइम। शोक, वॉश, इनकी टाइमिंग रहती है, मशीन की जो टाइमिंग सेट होती है, शोक का टाइमिंग,
वॉश का टाइमिंग, और ये रिंस का 3 टाइम होता है, तो ये हमें 1 टाइम ही, तभी हमें टाइमिंग कम है और पानी की भी बचत है। जब आप पानी की बचत करना चाहेंगे, कम पानी में आप कपड़ा धोना चाहेंगे, तो आप है ना इको वॉश का इस्तेमाल करें, P9 इको वॉश, या तो P1 सेट करके और है ना एक्सप्रेस वॉश पे लगा दें, तो आपका एक ही काम करती है P9 एंड एक्सप्रेस वॉश। इनके 42 है और ये सोख है, पानी लेना भी बंद कर दी है मशीन, और सोख हो गया है, अब वॉश चल रहा है। कितनी जल्दी इसने सोख फिनिश कर दिया है और वॉश चल रहा है। वॉश के बाद अब रिंस और ड्राई, अगर टाइमिंग की भी कमी है और पानी की भी कमी है। रिंस चल रही है, सोख चल रहा है, सोख भी ले लिया, अभी सोख चल रहा है। तो इसी तरीके से आप पानी भी का भी कम खपत होता है पीना इको वॉश पे, तो आप इको वॉश पे ही कपड़ा धोएं। जब आपको पानी कम है तो एक्सप्रेस वॉश लगा ले, अगर P1 है तो, और नहीं तो इको वॉश पे लगा दे, तो ये आपके आपके जो पानी भी, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टाइमिंग की भी कम हो जाएगी अपने आप, पानी की भी बचत हो जाएगी। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।